जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि खाना खाते वक्त आपको यह गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको धन का हानि होगी और माँ लक्ष्मी की कभी कृपा आप पर नहीं होगी और धन का हानि होने की ज़्यादा संभावना। वो कौन कौन सी बातें जो आमतौर पर हम सभी करते हैं और उससे घर में दरिद्रता भी आती है और कई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जिन बातों को अगर आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस संबंधी चीज़ें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नौ के नौ ग्रह जो है वो चलायमान है और वो चलायमान तब चलायमान है जब हमारा शरीर उसमें चलायमान है। शरीर चलाने के लिए अन्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना उसके मुझे लगता है कि जीवन संभव नहीं है। तो जब अन्न हम ग्रहण करते हैं वो जो समय है वो समय को किस तरह से हमें जो हमारा व्यवहार होना चाहिए उसको किस तरह से अन्न को ग्रहण करना चाहिए। हम आमतौर पर तो खा ही लेते हैं, ये कोई सिखाने की जरूरत होती नहीं, लेकिन कुछ बेसिक बात है जो आपके ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे और इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा आपके जीवन में सकारात्मक वीडियो, सकारात्मक जानकारी मिलती रहे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों, आप पे करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, होता ऐसा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं तो सबसे पहले तो आप आज के प्रॉपरली बैठ कर खाना खाएं, जिसे हम पालकी मार कर बैठना कहते हैं, वो बैठ कर खाना खाएं। उससे हमारा पाचन जो तंत्र है वो सही रहता है और सही उस समय जब हम ग्रहण करते हैं अन्न को तो उसका जो स्थिति है, पोजीशन है, वो सही होती है। तो पहली और मुख्य बात हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पर खाना खाते वक्त कभी भी कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे गाय आ जाए, चाहे अपने घर के पास कुत्ता आ जाए, कोई मेहमान भी आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप उसे जरूर अन्न ग्रहण करने के लिए कहें और कोशिश करें। देखिए, हमारा काम कहना है और हम पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भी हमें भोजन करवाएं, पर अगर गाय या कुत्ता कोई भी आ जाए तो उन्हें जरूर आप एक रोटी जरूर दें दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर आपके साथ अक्सर होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें होती होगी। तीसरी बात है कि जब भी खाना खाएं तब दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि बहुत सारे लोग जो दो हाथ से खाना खाते हैं, ये कोशिश न करें एक हाथ से खाना खाएं, दो हाथ से खाना न खाएं दोस्तों। ये इस दो हाथ से खाना जो है वो असुरी प्रवृत्ति है, तो कोशिश करें कि उससे बचें, हमें उससे बचना चाहिए। चौथी बात है कि जब भी अन्न ग्रहण करें उससे पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें, खाने के पहले और खाने के बाद दोनों वक्त ईश्वर का धन्यवाद जरूर दें दोस्तों। माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद दें और भगवान का धन्यवाद जरूर दें दोस्तों। और पांचवी और मुख्य बात यह है कि कोशिश करें कि हम अन्न ग्रहण करें उससे पहले अगर किसी भूखे को अन्न ग्रहण हम करवाएं, हमारे से अगर बन पाए, देखिए मैं जरूरी नहीं है ये पांचवा पॉइंट, लेकिन कोशिश ये करें कभी हफ्ते में एक बार करें, लेकिन ये एक आदत जरूर डालें। इससे कई सारे ग्रह आपके पॉजिटिव होंगे, आप कई उपाय करेंगे वो एक अलग वे है, लेकिन इस तरह के ये जो लाइफ टाइम उपाय हम करते रहेंगे इससे कभी भी हमें परेशानी